ये शायद फर्नेस की आवाज़ है जो हीटर चल रहा है अंदर उसकी जलने की जो प्रोपेन गैस है। बट एनीवेज अब जी अगला दिन शुरू हो गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हैं। ऑलमोस्ट फुल चांसेस हैं कि इंजन सीज होने का खतरा है, कहीं हो ही ना चुका हो। वैसे स्टार्ट तो हो रहा है मगर मोटर में से हिसिंग साउंड आ रही है। ऑयल इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा ऑयल का बिल्कुल भी इंजन के अंदर, और बिना ऑयल के इंजन चल जाए तो किसी भी मोमेंट मेटल जो है वेयर एंड टेयर बड़ी जल्दी हो के इंजन सीज हो सकता है, खड़ा हो सकता है। और अगर ये इंजन सीज हो गया तो इसको दोबारा ओवरहॉल कराने का खर्चा इस मोटर होम से शायद दुगना ही लग जाए, क्योंकि यहाँ पे $100 पर घंटा पड़ता है जो मैकेनिक का। हाँ, इसकी तो चलो कहानी चल रही है जो चल रही है। हाँ, मैं एक बात समझ गया हूँ कि आप सुबह सुबह होटल छोड़ के इधर क्यों आए हो। वो तो फिर है ही ना, आपको जो है पराठे मिल सके पराठे। बट अब हमने पराठे तो खाने जाना ही है, मगर आगे आज इसकी क्या अरेंजमेंट करी है, हमने कहाँ से मैकेनिक और टोइंग का इसको बंदोबस्त किया, क्योंकि ये पूरी टो हो के जाएगी उसके लिए डॉली उतारनी पड़ेगी, यहाँ रखनी पड़ेगी, कहाँ कितनी दूर कितने किलोमीटर जाएगी, क्या रेट पड़ रहे हैं मैकेनिक इसको किस हिसाब से देखेंगे, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, ये सब डिस्कशन करते हैं आज की वीडियो में। और फिंगर्स क्रॉस्ड है क्योंकि आज शाम तक समझ आएगी कि ये मतलब छोटा मोटा रिपेयर आगे चलने का तो बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे रिपेयर बिल्कुल ही कुछ माइनर हुआ तो हमें लगा तो ठीक है, मगर अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो कहे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा या थोड़ा ज़्यादा पैसे लेगा, तो फिर मैं और आगे जाने की इस पर रिस्क मेरे हिसाब से नहीं लूँगा। बट अब देखते हैं क्या बनता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज शाम तक और इस वीडियो के एंड तक आपको भी क्लियर हो जाएगी, हमें भी। फिलहाल बड़ा ज़रूरी काम, अभी पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा, तो ऐस करके जो है अंदर जाते हैं, थोड़े कपड़े वपड़े बदलते हैं, मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि एक घंटे के अंदर टोइंग वाले आने वाले हैं, तो इसीलिए जब तब तक नाश्ता वाश्ता कर ले, आज की वीडियो की जरा शुरुआत हो जाए। चले साहब जी तैयारी नाश्ते की, चलो चलो। और ये जो लकी इंडियन ढाबा है ये हमारे जाम रुके हैं यहाँ से 300-400 meters होगा, मतलब इतना कि ड्रोन भी नॉन स्टॉप उड़ा के लेके जा सकते हैं। और जी यहाँ पे ढाबे पे ये सीन है कि अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे जितने ट्रक दिख रहे होते हैं ना पीछे लाइन से 1-2-3 आए होते हैं, रात को तो यहाँ पर रौनक मेला लगा होता है, तो इसीलिए ये सारे के सारे, क्योंकि जो मेन हाईवे है जी टोरंटो से कैलगरी वाला, तो उस पे आते हैं लोग, अपना देसी भाई लोग यहीं ढाबों पे रुकते हैं। जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वैसे कहते ढाबे हैं एक तरीके के रेस्टोरेंट, बट इसका तो नाम ही लकी पंजाबी ढाबा है, तो इसलिए बस जाके अपने लिए जो परौंठे चरौंठे लिए हैं वो लें, फाइनल करें और निकलें, और उसके बाद फटाफट वो आने ही वाले हैं मैकेनिक साहब जिन्होंने अपना जो है टो करके इसको लेके जानी है गाड़ी। पहले तो खैर टोइंग वाला आएगा, चलो जी चलो आगे। फील बिल्कुल ऐसे जैसे चंडीगढ़ के रेस्टोरेंट में होती है। सामने बिल्कुल अपना इंडियन स्टाइल सेटिंग है, सेटअप बिल्कुल वही है, पराठे रेडी हमारे। तो जी फाइनली आ गए बढ़िया पराठे, एक एक आलू, एक एक गोभी। और वैसे ही यहाँ पे सस्कैशन में क्योंकि दिन के 5 एक कोविड के केस आते हैं पूरी स्टेट में, तो इसीलिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, बट फिर भी हम अंदर किसी क्लोज्ड एरिया में जाते हैं तो पहन लेते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट जो है ओंटारियो और क्वेबेक से कुछ वैसी ही बनी हुई है, और अब पड़ गई है तो अच्छी है। बट जिस जगह पे हम आए हैं इसका नाम इंडियन हेड क्यों है,
वो अभी आपको कोई तकरीबन 30 सेकंड में पता लग जाएगा, नहीं जल्दी, क्योंकि वीडियो में तो हम स्पीड रैंप मार देंगे। और कई लोग इंडियन हेड सम सोच के ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया से रिलेटेड है या इंडियन नाम या उस तरीके से कुछ है, बट जो एबोरिजिनल या नेटिव लोग होते हैं, आदिवासी, कई लोग शायद पक्का नहीं पता, लाल भारतीय भी कहते हैं, रेड इंडियंस, तो क्योंकि यही ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे इन जगहों के। बाद में कनाडा को फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश लोग जब आए तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स करी, तो उन्हीं को डेडिकेटेड ये जगह है। और एग्जैक्टली इंडियन हेड नाम क्यों है ये नहीं पता, मगर एक बहुत बड़ा रेड इंडियन हेड यहाँ पे लगा हुआ है। और रजाइना का जो शहर है, सस्कैचवान की कैपिटल है जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो सामने कोई तकरीबन 70 किलोमीटर के आगे जाके उसका डाउनटाउन आ जाता है, और वो पीछे यहाँ से नजर नहीं आ रहा, थोड़ी सी आगे जो है हमारा मोटर होम बंद पड़ा है, तो इसलिए अब जाके थोड़ी पेट पूजा, उसके बाद बस अब इंतज़ार है फाइनली कि कब पहुँचते हैं मिस्टर टोइंग वाले। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सुनने में यह है कि इस मोटर होम को, क्योंकि इतना बड़ा है, इसको पीछे से उल्टा करके टो किया जाएगा, बट देखें। चलिए सर, चलो। और ये सारा काम डिस्पोजेबल भांडों में होगा, क्योंकि पानी का हमारा सप्लाई वैसे ही खत्म है, वाइट वाटर टैंक बिल्कुल खाली होने वाला है, नो पानी। ओए ओए ओए, ला 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 ला, क्या साइज है भाई पराठे का? भाई शो, बहुत बढ़िया साइज है। बाकी जी पराठे का मजा अचार के बिना अधूरा है, मगर ये सर को देखिए, हमको केचप यार पसंद है पराठे। अरे शाबाश, ओए ओए, केचप में डुबो के पराठे खाने का। सबका अपना अपना स्टाइल है भाई, अपना अपना स्टाइल है, जो जिसको वो भाई वो खाना चाहिए। अपन जो है अपना अचार के साथ फर्स्ट क्लास फील लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे आज सोच रहे हैं, जब तक खाली है वो एक 10-15 मिनट की वीडियो, खबरें देख लें इंडिया में क्या चल रहा है भाई। क्यों जी, भाई साहब बहुत ही हैवी ड्यूटी ले गए हैं, और अभी पूछता हूँ पीछे से बांधने का, और डॉली यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी, उसका भी देखना है क्या करना है। बाबू कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इट लुक्स लाइक यू हैव ऑलरेडी किल्ड योर इंजन। You? Pata nahi. Hey, need to get rid of this car, Dolly. Yeah. What's your guys' plan with it? Oh, we'll put a padlock on it and probably put it here somewhere for now because we don't have a hitch on the car. We have asked the gentleman at the workshop to put a hitch for us so that we can come back and get it. But I don't think we can take it with us at this point in time anyhow. So we might have to disengage it here only. But I'm not sure how safe it is going to be, but we don't have any option. Nikke liye keh gaye raat ko yahan chhodi na to ye aise ud jayegi dolly, magar wo keh raha hai jo samne ja pe dhaba hai na uske saath wala yard iske dost ka hai, to ye keh raha hai ki wahan agar laga sake magar wahan tak to hame ghadi iske leke jana padega, par main isse poochta hu ki apne tow truck mein wahan tak dhakel de yaar, itna kaam favor to kar hi sakta hai, है ना, पता चलेगा। और इतने बड़े ट्रक पे पिद्दी सी डाली, पूछ लेते हैं क्या करता है। बाबू जी समस्या ये है कि इसको पीछे से घसीटना है, इसको पीछे से घसीटना है तो डॉली कैसे जाएगी? डॉली ये कह रहा है अगर आपने यहाँ छोड़ दी, चाहे पिदा हताल लगा भी दो, तो ये रातों रात उड़ जाएगी यहाँ से, बहुत रिस्क है। सामने वाला यार्ड इसके दोस्त का है, पर ये कह रहा है वहाँ तक गया तो मैनुअली घसीट के तो बड़ा मुश्किल है, अपने ट्रक पे लेके जाएगा या किसी और को बुलाएगा, कोई छोटा ट्रक जो ले जाए उसके अलग से चार्ज ले ले, अभी ये पता नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी के पीछे हिच नहीं है, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। अल्टीमेटली मेरे को लगवाना तो है ही, क्योंकि मैं डॉली वापस लेके जाने की सोच रहा हूँ, या कुछ ऑटो करने के लिए ट्रेनर, बट अभी देखते हैं क्या हिसाब बनता है। भाई साहब क्या करते हैं, अभी वो तो ट्रक लेके गायब हो गया, आ रहा है इधर ही, आ रहा है इधर ही। भाई साहब सॉलिड है और बड़ा है, हैवी ड्यूटी काम है, प्रॉब्लम ये है कि पीछे भी जगह थोड़ी सी कम है, तो सब टेढ़ा तिरछा करके लगाना पड़ेगा।
मैंने इनसे पूछ लिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि भाई थोड़ी वो कंसर्न होती है ना प्राइवेसी की, पहले पूछ लेना चाहिए। तो सर ओके हैं और अभी ये मैं इसकी चाबी निकालूँ। नहीं ये लॉक की थी, दूसरी वाली है, ये वाली है, ये वाली। ओए ओए हटो हटो हटो। अभी मेरा टाइम नहीं है। अब निकालो, अब निकालो। तो ये तैयारी बाबूजी की पूरी चल रही है। यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर जो है लॉक लगा दिए हैं, फर्स्ट क्लास अपना ये सारा काम अटका दिया। काम प्रोफेशनल है बंदे का, बहुत ही फटाफट कर रहा है, फुल स्पीड। और क्योंकि ये पीछे से टो हो रही है तो ये टिल्ट हो गया है एंगल, आगे वाली सस्पेंशन एज यू कैन सी पूरी की पूरी नीचे को डाउन आ गई है। और अब आपको थोड़ा सा मैं ये भी समझा देता हूँ कि भाई ये सारा काम करना ज़रूरी क्यों है, क्यों मैंने कोई मैकेनिक पहले नहीं बुलाया अलग से चेक करने के लिए। तो सीन ये है कि यहाँ से 15 मिनट दूर एक सिटी है रजाइना की तरफ जाते हुए, फ्रेंच नाम है, कोई पहल है पता नहीं क्या है। तो वहाँ पे एक शॉप मिली है जो कि यहीं के लोग हैं और वो आरवी के ही मैकेनिक हैं और डीजल इंजन के एक्सपर्ट हैं डील करने के। और सर की बात आपने सुनी ली, सर भी तगड़े एक्सपर्ट हैं, आरवीज में बहुत टाइम से मोटर होम में काम कर रहे हैं। तो अब है क्या प्लान कि ये यहाँ से लेके जाएंगे इसको टो करके अपनी वर्कशॉप तक जो कि 15 मिनट दूर है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आके देख लेते हैं भैया आपकी, फिर बात ये हुई कि इंजन की इशू थोड़ा मेजर लग रहा है तो सारे टूल पता नहीं आ पाए ना आ पाए, नीचे से जाना पड़े कुछ भी हो तो रिस्क लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम टो करने के लिए गाड़ी भेज देते हैं, आप हमारे पास ले आइए। और टो करने की फ़ीस यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले जाने की जो ये मांग रहे हैं दैट इज़ $250। अब कई लोग बोलेंगे CAA की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए थी, जो जैसे इंडिया में हमारे वो होते हैं ना इमरजेंसी वाले, मैं नाम भूल गया क्या होते हैं, मगर वो जिसके 600-700 हज़ार रुपये 2 साल के, तो जब भी आपकी गाड़ी वाड़ी पंचर हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आप उन्हें बुला सकते हैं। वैसे यहाँ पे CAA करके सर्विस होती है जो ये काम करती है रोड साइड असिस्टेंस बेसिकली। अब मैंने वो 4 दिन पहले लिया था और उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 1 हफ्ता एटलीस्ट आपका जो है वो पूरा हो जाना चाहिए मेंबरशिप लिए हुए उससे पहले कि आपको रिक्वेस्ट करें। और अगर 1 हफ्ता नहीं होता तो आप $25 एक्स्ट्रा दे के कर सकते हैं, उसकी फ़ीस जो यहाँ पे मंथली है दैट इज़ अबाउट $20 अ मंथ। मगर क्योंकि 1 हफ्ता नहीं हुआ था, अब 1 हफ्ता ना हो तो वो कहते हैं कि आप $50 या $25 एक्स्ट्रा दे के वो पीरियड वेव ऑफ करा सकते हैं। मैंने कहा चलो वो कर दो। फिर उन्होंने कहा ओहो आपने तो क्वेबेक में की थी क्योंकि आपका एड्रेस क्वेबेक का है, रजाइना में सॉरी सस्कैचवान में ये काम नहीं हो सकता, आपको 1 हफ्ता वेट करनी पड़ेगी या फिर फुल पैसे देने पड़ेंगे टोइंग। फिर मैंने इनको बुलाया, ये आया, उन्होंने कहा ले जाओ यार अब यहाँ पे। अब बाद इनसे ये हुई है कि ले जाएंगे वहाँ पे अपनी वर्कशॉप पे और चेक करेंगे कि वर्क्स में कितना मेजर काम है, कितना मेजर खर्चा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, तो उस केस में ये इसको आगे फर्दर स्टोरेज तक टो करके ले जाएंगे और वहाँ मैं इसको करवा लूँगा। बट अगर स्टोर करवा दूँगा और आगे निकल जाऊँगा अगले सीज़न में देखूँगा, बट अगर खर्चा मेजर नहीं हुआ काम होता हुआ तो ये कर लेंगे। और कॉस्टिंग इस हिसाब से है कि $250 इन्होंने लिए हैं अपनी वर्कशॉप पर ले जाने के, और अगर ये ठीक हम नहीं करवाते या नहीं होती या खर्चा बहुत मेजर होता है तो सिर्फ $200 ये और लेंगे और रजाइना तक छोड़ देंगे। $500 के आसपास टोइंग का खर्चा आएगा, बट अभी जो मैकेनिक का काम होता है दैट इज़ $100 एन आवर। तो अगर वो वहाँ से यहाँ आता भी, जैसे मैंने जब अगर इंडियन मैकेनिक जो मेरी जिनसे कल बात हुई थी वो भी काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे थे, मगर वो सिर्फ ट्रक के एक्सपर्ट है तो उसने उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ही इज़ 45 मिनट्स अवे और उनका मीटर $100 पर घंटे का शुरू हो जाता जैसे वो वहाँ से निकलते। तो वो यहाँ आते 1.5 घंटा उनके आने जाने का, 2 घंटे लग जाते, फिर टूल्स भी ना ले जा पाते, $500 लग जाते और पूरा पता भी ना लगता क्योंकि उनकी वर्कशॉप से तो बहुत दूर है। और फिर वो एंड में वो ये कहते हैं कि जी टो करके लाओ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए अभी यही बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लगा है। शॉर्ट मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया, 3 मिनट से मैं समझा ही रहा हूँ आपको। बाबूजी बाकी नीचे पूरी पक्की तैयारी कर रहे हैं ताकि 100% जिसे कहते हैं ना सेफली और सिक्योरली इतने बड़े जहाज़ को टो करके लेके जाया जा सके। मैं तो खैर यही करूँगा कि इसके पीछे जो है ना गाड़ी में जाऊँ, इसके अंदर बैठ के नहीं जाऊँगा। बाकी मिस्टर निखिल, हैव यू सिक्योर्ड द कैबिन
फॉर द ट्रांसपोर्ट? यस यस, ऑल सिक्योर्ड, बस मैं बाहर लॉक ही कर रहा हूँ कैबिनेट्स। ठीक है, और वो पैड लॉक जो है ना वो डॉली पे लगा के उसको साइड पे कर देते हैं, फिर इनसे विचार विमर्श करते हैं कि भाई करना क्या है उसका। ठीक है, तो कोई चुक के ना लाया जाए, सारी सानू पे आ जाएगी हजार पे भी डॉलर। सारी सेटिंग वेटिंग हमने इस हिसाब से कर दी है कि भैया यहाँ पे कोई चीज़ हिले ना, बाकी यहाँ पे आपको पता ही है ओपन में फेस कोई नहीं पहनता, अंदर भी कोई नहीं पहनता फेस कवरिंग, ऊपर भी कोई नहीं पहन रहे, केस यहाँ नहीं तो लोग थोड़ी कम एहतियात कर रहे हैं, मगर हम अपनी तरफ से पूरे सैनिटाइज़ करना, मास्क मूस पहन के रखना जब भी किसी से सोशल डिस्टेंस मैनेज ना हो सके, और इसमें कई बार ऐसे इंस्टेंस आ जाते हैं कि बंदा नहीं कर सकता, बट भैया जितना बचाव कर सकते हैं करें और इसको ठीक करें। तो जी जो नुकसान होने थे वो तो हो ही गए हैं, कुल मिला के लग गए तकरीबन 20 लाख रुपए, मगर अभी तो 20वां दिन भी हमारा पूरा नहीं हुआ क्योंकि खर्चे के अंदर 13.5 के आसपास तो यही पड़ा था, उसके बाद अभी लगा लो कि 4,000-13.5 लाख के आसपास, 12.5, और 2 लाख के आसपास जो है इसके रेडिएटर पर खर्च हो गए, 1.5 लाख के टायर आ गए, फिर 1.25 लाख इसको तैयार करने में हमने लगा दिया, रजिस्ट्रेशन के खर्चे, इंश्योरेंस वो सब तो मिला के भगवान जाने कितना पड़ेगा, बट जितने लाख थे उतने दिन शायद ये चला नहीं है, मगर कोई बात नहीं, भगवान जो है ऊंचे नीचे दिन दिखाता रहता है, फाइनेंशियल झटके भी कभी कभी लगते रहते हैं, आगे पीछे भी जिंदगी में बहुत कुछ झटके सही हैं, मगर हिम्मत होती है तो रिकवर भी कर जाते हैं, और इस बार भी करना ही करना है, और ये है कि आगे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट बना के, चाहे ये ठीक हो या ना हो, फिर अगले साल करें जो मर्जी करें, बट वो क्लियर हो जाएगा अभी एंड तक के भाई साहब देख के क्या बताते हैं, बट 99.99% इट्स प्रीटी मच श्योर कि ये इशू बहुत मेजर है, और पंप का निकला तो वैसे ही पंप तो अवेलेबल है ही नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा, तो वील हैव टू फाइंड सम अदर वे आउट। बस मैं आज ये एक बार देख ले, और इसको अगर नहीं होता तो मैं टोइंग जो है इसकी कंटिन्यू आगे करके स्टोरेज फैसिलिटी में इसको डालूं, और फिर मैं मम्मी बैठे हैं, भाई को फ़ोन करें, उसने भी वो ही परेशान हो रहा है कि भाई कुछ आगे का प्लान बनाऊं, और फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बाकी आप लोग अगर चाहें तो चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पेज पे ज्वाइन बटन आएगा, उसके अंदर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट मंथली, बहुत सारे लोग क्योंकि पूछ रहे, तो सो आई थॉट आई विल मेंशन इन दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो असली सपोर्ट तो मेरा वही है कि आप मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और हमारी मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।